हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क्स ऑफ नॉलेज। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है इम्पॉर्टेंट डेज पर, और इस वीडियो में मैं और जून मंथ का इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है 1 मई, मई मंथ का सबसे पहला दिन जो है वो वर्ल्ड लेबर डे है, जिसकी की थीम थी सस्टेनेबल पेंसर फॉर ऑल। नेक्स्ट है हमारा 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसकी थीम थी मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन द डिसइंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा 4 मई, 4 मई को कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 2 दिवस मनाया जाता है 4 मई को। और फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि 4 अप्रैल भी थी जिस दिन इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे था, तो आपको डेट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 4 मई को है कोल माइनर्स डे और 4 अप्रैल को था हमारा इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, यानी खदान से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो हम 4 अप्रैल को मनाते हैं, जबकि 4 मई को हम कोल माइनर्स डे यानी खाद में जो कोयले का जो खदान होती है वहाँ जो काम करते हैं उनका दिवस है ये कोल माइनर्स डे है, और वो है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। तो इन तरह की छोटी छोटी बातों पर आप फ्रेंड्स ध्यान देंगे, और इसी में अक्सर स्टूडेंट्स फंसते हैं एग्ज़ाम में, तो बी केयरफुल और ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट हमारा 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, यानी जो एथलेटिक्स होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं उनका डे है ये। और नेक्स्ट है हमारा 8 मई थैलेसेमिया डे। थैलेसेमिया एक डिज़ीज़ है, ये एक ब्लड से रिलेटेड डिज़ीज़ है और ये हेरिडिटरी डिज़ीज़ भी है यानी वंशानुगत बीमारी, जिसमें कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, नॉर्मल से कम, तो ये बीमारी हो जाती है। यानी RBC जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स वो बहुत ही कम हो जाती है, तो ये बीमारी होती है RBC की। नेक्स्ट है हमारा इस दिन 8 मई को एक थैलेसीमिया डे भी है फ्रेंड्स और रेड क्रॉस डे भी है, तो दो डेज हैं उन्हें आप याद रखेंगे कि दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम में आ सकता है। और फ्रेंड्स, 7 मई को ही एक और चीज़ है, रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है, जो एक बहुत ही अच्छे पोएट थे, तो इनकी जयंती है इस दिन, ये भी आप याद रखेंगे 7 मई। नेक्स्ट है हमारा 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को मनाया जाता है, ये इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश में जो एक मिशन है पोखरण, ये सक्सेसफुल हुआ था पोखरण 2 11 मई 1998 को। नेक्स्ट है हमारा 12 मई इंटरनेशनल नर्सेस डे, और इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारा 15 मई इंटरनेशनल फैमिलीज डे, परिवार का डे, परिवार दिवस। नेक्स्ट है हमारा 17 मई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस डे, यानी दूर संचार, जो हम बातें करते हैं एक दूसरे से, जिस तरह से मैं ये वीडियो ये मैसेज आपको पहुंचा रही हूँ, तो ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन ही है, तो ये डे 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये भी इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18 मई वर्ल्ड एड्स डे, एड्स वैक्सीन डे, ये आप ध्यान देंगे। एक एड्स डे होता है जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, पर ये है एड्स की जो वैक्सीन है वो दिवस मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट है हमारा 20 मई वर्ल्ड बी डे,
बी मीन्स मधुमक्खियों का दिवस। तो ये बहुत सारे नए नए डेज आजकल आ गए हैं जो एग्ज़ाम में ये सब भी पूछे जाते हैं बहुत ही डिटेल में। तो प्लीज़ आप इनसे हर एक मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको याद करना होगा। जैसे कि पहले ये सब डेज बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता था, ये बीज या एड्स वैक्सीन डे, एड्स ही इनफ है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अब सब कुछ पूछा है तो आपको सब कुछ की तैयारी करनी होगी अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है। तो नेक्स्ट है हमारा 21 में नेशनल टेररिज्म डे, यानी आतंकवाद का दिवस नहीं, आतंकवाद के एक तरह से वो खिलाफ का डे है कि उससे हम कैसे लड़े, उससे कैसे हम बच सकते हैं। और इसी दिन वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है, यानी सांस्कृतिक विरासत दिवस। नेक्स्ट है हमारा 22 में इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। और ये है हमारा 21 मई को कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता दिवस। 29 में इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, यानी इस दिन हम 19 मई को पीस कीपर्स डे मनाते हैं। किसका? यूएन का, यानी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो शांति बनाए रखते हैं उनका डे। नेक्स्ट है हमारा 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे। टोबैको मीन्स जो एक खाद्य ये मादक पदार्थ होती है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में खैनी भी बोलते हैं। तो और ये सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाई जाती है फ्रेंड्स, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। और ये तो नो टोबैको डे है और इसकी थीम थी टोबैको एंड हेल्थ, लंग हेल्थ। लंग्स यानी हमारे फेफड़े से रिलेटेड, इसका ज़्यादा सेवन करने से बीमारी हो जाती है। तो यही हमारी थीम थी 31 मई। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे जून मंथ के बारे में। और जून के स्टार्ट करने से पहले मैं जो कुछ डेज और बच गए हैं मई मंथ के वो मैं बता देती हूँ। मई मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है हमारा, फर्स्ट संडे, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर्स डे। वर्ल्ड लाफ्टर्स डे, ये भी आप नोट कर लें। और फर्स्ट ट्यूसडे जो है मई मंथ का, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। और ये भी एक डिजीज़ है, अस्थमा, सांस से रिलेटेड ये डिजीज़ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप लिख लें, अपना नोट कर लें। फर्स्ट है हमारा जून मंथ का वर्ल्ड मिल्क डे, और इसी दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता का दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और ये 2018 से मनाया जा रहा है। और एक और याद रखेंगे फ्रेंड्स, 2 जून को इंडिया में हमारा एक न्यू स्टेट बना था तेलंगाना, तो इस दिन तेलंगाना डे भी मनाया जाता है 2014 से। नेक्स्ट है हमारा 4 जून डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी ऐसे बच्चे जो एग्रेशन के शिकार हुए हैं। एग्रेशन मीन्स जिनके साथ ऑफेंसिव या वायलेंट बिहेवियर किया गया है, ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे के बच्चों का दिन। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये तो नॉर्म मतलब सबको पता होगा और ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट हमारा 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी हम खाने पीने की चीज़ों को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और उसे कैसे बचा सकते हैं, उसे बर्बाद नहीं होने देना है, इन सब से रिलेटेड दिवस है ये। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, ओशन मीन्स महासागर, महासागर का दिवस। और आप कमेंट में हमें बताएंगे कि कितने ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड में और उनके नाम भी। नेक्स्ट है हमारा 8 जून वर्ल्ड सॉरी 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, और इसी दिन ब्रेन ट्यूमर डे भी है, मनाया जाता है, और ये भी एक डिजीज है। नेक्स्ट है हमारा 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी जो बच्चे काम करते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं और वे काम करते हैं फैक्ट्रीज में या किसी शॉप में या किसी के घर में, तो उसके खिलाफ का ये दिन है 12 जून।
और इस साल की थीम थी हमारी चिल्ड्रेंस शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ड्रीम्स, यानी बच्चों को फील्ड्स में काम नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें किसी भी फील्ड में काम नहीं करना है, बल्कि बच्चों को काम करना है अपने सपनों पे, यानी उन्हें वे उन्होंने जो सपना देखा है उसे उन्हें पूरा करना है, उन्हें पढ़ना लिखना है, कुछ अच्छा बनना है, ना कि काम करना है। नेक्स्ट है हमारा 14 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून, वर्ल्ड एल्डर एब्यूस अवेयरनेस डे। ये एल्डर एब्यूस अवेयरनेस क्या होता है? तो जो बड़े होते हैं हमारे, हम उनके साथ गलत अगर बिहेव करते हैं, जैसे कि हम माता पिता, आजकल के मॉडर्न दुनिया में हम अक्सर अपने पेरेंट्स को नहीं रखना चाहते साथ में, उन्हें वृद्धाश्रम या किसी भी आश्रम में जाके छोड़ आते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, ये एल्डर एब्यूस है, यानी बड़ों को हम एक तरह से परेशान कर रहे हैं, उनके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो उसी के खिलाफ अवेयरनेस का ये डे है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और इस दिन का थीम भी था कि विश्व बुजुर्ग व्यक्तियों के शोषण के विरुद्ध जागरूकता दिवस, यानी जो हमारे बड़े हैं, हमारे दादा दादी या माता पिता या हमारे इन लॉज, उनके साथ ही हमें रखना है और उनका शोषण बिल्कुल भी नहीं करना है, और तो ये उसका डे है। नेक्स्ट है हमारा 17 जून, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ऑफ ड्राउट। अब ये डिजर्टिफिकेशन ऑफ ड्राउट क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन ऑफ ड्राउट यानी जो सूखा पड़ता है उसे किस तरह से हमें हराना है, ख़त्म करना है, सूखे या अकाल की जो हालत होती है कभी कभी किसी किसी भी जगह की, तो उसे ख़त्म करना है कैसे, और उसे कैसे रोकना है, होने से कैसे रोकना है। नेक्स्ट है हमारा 18 जून, वर्ल्ड पिकनिक डे। पिकनिक तो आप सब जानते होंगे क्या होता है, तो ये उसी का डे है। 19 जून, नेक्स्ट है हमारा 19 जून, सिकल सेल डे। इट्स ऑल्सो अ ब्लड डिजीज, खून से रिलेटेड हमारा ये डिजीज़ है, जिसमें कि हमारा आरबीसी जो होता है वो कॉनकेव उसका शेप होता है, और ये इस तरह के शेप से घट के इस तरह का हो जाता है, सिकल के जैसा होता है। सिकल ये इस तरह का कुछ होता है जिसे कि गांव में घास वगैरह काटा जाता है, यानी कि एरिया कम हो जाता है हमारे आरबीसी का। नेक्स्ट 20 जून, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, दैट मीन्स शरणार्थी दिवस। शरणार्थी मीन्स जिनका अपना कोई पहचान नहीं होता है किसी भी जगह का, और ये या तो युद्ध से भागे हुए लोग होते हैं या इन्हें उत्पीड़न उत्पीड़न करके निकाला जाया होता है अपने किसी कंट्री से, और या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये खुद अपने जगह को इन्हें छोड़ना पड़ता है, तो ये रिफ्यूजी इन्हीं को कहा जाता है, और ये 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून, वर्ल्ड योगा डे, और इसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23 जून, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 26 जून, वर्ल्ड ड्रग एब्यूज डे। ड्रग एब्यूज तो आप समझ ही रहे हैं, ये ड्रग को किसी भी तरह के नशे वाली चीज़ को नहीं हमें लेनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़े है ये। 30 जून, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। एस्टेरॉयड मीन्स क्षुद्र ग्रह, ऐसे ग्रह ये छोटे छोटे रॉकी बॉडीज होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि ऐसे घूमते रहते हैं और वो सन की चक्कर लगाते हैं या किसी प्लैनेट की चक्कर लगाते हैं, तो ये एस्टेरॉयड्स होते हैं, और ये सबसे एक बेल्ट भी है जो मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है उनके बीच पाया जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये कभी कभी आप न्यूज़ में आपने सुना होगा कि कोई एस्टेरॉयड्स, कोई क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ रही है, हमसे टकराने वाली है, तो ये उसी का डे है 30 जून। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो में मैंने मई और जून मंथ का इम्पॉर्टेंट डेज पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश की है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपका कुछ भी ना छूटे। और बाकी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।